नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि शादी के समय सात फेरे लिए जाते हैं और बुंदेलखंड में गजरत के समय सात परिक्रमा लगाई जाती है, तो इस सात के अंक का क्या महत्व है? देखिए, सात अंक का अपना बड़ा महत्व है। सात परम स्थान भी होते हैं और ये सात परम प्रेम का प्रतीक होता है। आप देखते हैं, हम लोग सुनते हैं कि इंद्र को जैसे ही भगवान का पता लगता है कि उनका कोई कल्याणक हुआ, इंद्र अपने आसन से उठकर सात कदम आगे जाकर भगवान को प्रणाम करता है। जिनके प्रति पूर्ण प्रेम और श्रद्धा होती है उनके साथ सात बार ये सब क्रियाएं की जाती है। आप लोगों के यहाँ विवाह में जो सात फेरे लगाए जाते हैं वो इसी बात का द्योतक है कि अब हम मिलकर दो नहीं एक हो गए। हम दोनों इस पाणि ग्रहण संस्कार के माध्यम से दो देह में एक प्राण जैसे हो गए, इसका प्रतीक है ये सात फेरे। और बुंदेलखंड में भगवान के प्रतिष्ठा के बाद जो गजरथ पर विराजमान करके सात फेरे लगाए जाते हैं, उसका तात्पर्य ये है कि भगवान, हमने आपकी प्रतिष्ठा कर दी, इससे पूर्व मूर्ति थी, अब आप मेरे भगवान हो गए हैं और आपसे हमारे मन में परम प्रेम है, अब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आपकी पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। इसी प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए सात फेरे लगाए जाते हैं।